हेलो, आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम GFR को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि GFR होता क्या है। GFR टेस्ट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट है, ये पता लगाने के लिए सही है कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। ये स्पेशली डायबिटीज़ की वजह से होने वाली प्रॉब्लम को बताती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का कम लेवल किडनी के नुकसान के बारे में बताता है। ये आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल के बारे में भी बताता है। कुछ लोग EGFR और GFR में डिफरेंस समझ नहीं पाते, इसलिए हम आपको बता दें कि EGFR यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ब्लड में वेस्ट मटेरियल के लेवल का एस्टिमेटेड रेट बताता है, और GFR एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। GFR लेवल जितना कम होगा उतना ही हमारी किडनी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल GFR 60 या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका GFR 3 या 6 मंथ से 60 से कम है तो इसका मतलब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है। यदि आपका GFR 15 से कम हो गया है तो आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए GFR का यूज़ करके किडनी के वर्किंग प्रोसेस की जाँच करवाना ज़रूरी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना GFR लेवल नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है, आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, और आपको खास ध्यान देना होगा कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें और ना ही मीट का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है जो कि आपकी किडनी पर प्रेशर डाल सकता है। इसलिए आप वेजिटेबल्स का सेवन करें, क्योंकि इनमें क्रिएटिनिन लेवल कम होता है। अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे तो आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी बचे रहेंगे, जिससे आपका GFR लेवल कम नहीं होगा। दूसरा है कि कम नमक वाला ही खाना खाएं, क्योंकि डैमेज किडनी को सोडियम को फिल्टर करने में दिक्कत होती है। इसलिए सॉल्ट का यूज़ अपने फूड में कम से कम करें। आप सॉल्ट की जगह दूसरी हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए कैंड फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि उसमें सोडियम का यूज़ ज़्यादा होता है। तीसरा है, स्मोकिंग ना करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जहरीले प्रोडक्ट्स के नंबर को बढ़ा देती है, और ये जहरीले मटेरियल्स को आपकी किडनी से होकर गुजरना होगा, जो कि आपकी किडनी की हेल्थ को और ख़राब कर सकते हैं और GFR रेट को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए आप स्मोकिंग छोड़ दें। दूसरी तरफ, स्मोकिंग से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो आपका GFR लेवल कभी कम नहीं होगा। चौथा है, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, जिससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आप हेल्दी बने रहेंगे। यही नहीं, ये आपकी किडनी प्रॉब्लम्स को भी कम करती है और GFR रेट को इंक्रीज करती है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके ब्लड में प्रोटीन की खपत होती है, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसके लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लास्ट है, डॉक्टर से रेगुलरली टेस्ट करवाएं। इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। यदि आपका GFR टेस्ट 60 से कम था तो जल्द ही डॉक्टर से बात करें, और अगर ये आपका पहला GFR टेस्ट है तो कुछ मंथ बाद फिर अपना GFR टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि नेक्स्ट टाइम आपको अपना GFR टेस्ट कब करवाना है। अब हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आप अपना GFR लेवल नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। ज़्यादातर लोगों के लिए ये 120 से 80 से कम होना चाहिए। इससे आपकी किडनी हेल्दी बनी रहेगी और आप GFR टेस्ट से बच सकते हैं। सेकंड है, डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज नहीं होगा। तीसरा, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कम नमक और कम सोडियम युक्त भोजन का सेवन करें, क्योंकि ये आपको हेल्दी बनाए रखेगा और ब्लड प्रेशर की बीमारी होने से बचाएगा। चौथा, वजन नियंत्रण में रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप थकान महसूस करेंगे। फिफ्थ, दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लें, ताकि उनसे होने वाले इन्फेक्शन से आप बचे रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने देखा कि किन नेचुरल तरीकों से हम अपने GFR लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
इतना ही नहीं, आप कर्मा आयुर्वेदा में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो। हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं और नीचे नंबर्स भी मेंशन है। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए एंड हम उसके ऊपर अगली बार से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।